गुरपुर चरनी लाया, गुरपुर चरनी लाया, गुरपुर चरनी लाया, गुरपुर चरनी लाया, हर संग सगाई पाया, हर संग सहाई पाया, गुरपुर चरनी लाया, गुरपुर चरनी लाया, हर संग सहाई पाया, हर संग सहाई पाया, गुरपुर चरनी लाया, गुरपुर चरनी जह जाइए कहाँ सुने रे, जह जाइए कहाँ सुने रे, कर कृपा प्रभु मेरे, कर कृपा प्रभु मेरे, कर कृपा प्रभ मेरे, गुरपुर चरनी लाया, गुरपुर चरनी लाया, हर संग सहाई पाया, हर संग सहाई पाया, गुरपुर हर गुण गावो सदा सुपाई, हर गुण गावो सदा सुपाई, मन चिंदे सगले फल पावो, मन चिंदे सगले फल पावो, जी के संग सहाई, गुरपुर चरनी लाया, गुरपुर चरनी लाया, हर संग सहाई पाया, हर संग सहाई पाया, गुरपुर चरनी
हम संत जनारे नारा पतित पुनीत कर दीने पतित पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस कर कृपा हर जस दीने गुरपुरे चरनी लाया गुरपुरे चरनी लाया हर संग सवाई पाया हर संग सवाई पाया गुरपुरे चरनी सद जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइए हर दिन रैन कीर्तन गाइए बाहर न जोनी पाइए हर संग सवाई पाया गुरपुरे चरनी लाया गुरपुरे चरनी लाया जिस देव पुरख विदाता जिस देव पुरख विदाता हर रस सिंह जाता हर रस सिंह जाता जम जम कंकर मेड़ न आया सुख नानक शरणी पाया सुख नानक शरणी पाया गुरपुरे चरनी लाया गुरपुरे चरनी लाया हर संग हर संग सवाई पाया गुरपुरे चरनी लाया गुरपुरे चरनी लाया हर संग सवाई पाया हर संग सवाई
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब तैत मज सोद जिसे दही पात खाए जी वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे अनूप मोह महा मग पई देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई देख रूप अत अनूप मोह शब्द चनत कार खेल पाए जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो काल
मेट सके इस बाम ज्ञान ध्यान तरत ही अचाहे जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो वाहे गुरु हर संग सहाई पाया
हर संग सहाई पाया गुर पूरन चरनी लाया गुर पूरन चरनी लाया जह जाइए ना सुने जह जाइए तहां सुने कर कृपा प्रभु मेले कर कृपा प्रभु हर गुण गावो सदा सुपाई हर गुण गावो सदा सुपाई मन चिंदे सगले फल पावो मन चिंदे सगले फल पावो चरणी लाया गुरु पूरे चरणी।
हर संग सवाई पाया। हर संग सवाई पाया गुरपुरे चरनी लाया, गुरपुरे चरनी लाया। पार ब्रह्म करे प्रतपाला, सद जी संग रखवाला। कह नानक फिर ना रह जो बालू की भीत। बालू कहते ने रेत में गुरु प्यारे। पहली गल तो यह कि रेत की कंध नहीं बन सकती। रेत अजकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है, जे किसी तरीके दे नाल बना भी ले जावे, मान लो कि बना ली गई रेत की कंध, तो उस रेत की बनी हुई कंध की कोई मनियाद नहीं होती। पता नहीं उसने किहड़े वेले डिग पई। इस करके सतगुरु जी फरमाते हैं कि जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रेवी कह नानक थिर ना रह ज्यों बालू की। जिमें बालू की रेत की कंध बहुता चिर नहीं टिक सकती, इस तरह जीव भी जिहड़ा है ना प्राणी भी बहुता चिर संसार विच नहीं टिक सकता, इहदी कोई मर्याद नहीं। पता नहीं किहड़े वेले मालक ने सुनेहा भेज देना कि इस संसार दे विचों जीव नूं बुला लिया। बाबा फरीद साहब जी ने भी बड़ा सुंदर उच्चारण किया है गुरबाणी विच, कंडी उत्तै रुखड़ा किचर कबन्ना धीर, फरीदा कच्चा भांडा रखिया किचर ताई नीर। जिवें नदी के किनारे कोई रुख होवे ते ओ बहुता चिर नहीं टिक सकदा रह सकदा। वाहे गुरु
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਢਾਈ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਕਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਸ ਦੇਗ ਦਾ ਆਟਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਆਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੈਸਾ
त्यो नानक दास बोले ज्यों बुलावू त्यो नानक दास बोले परम सम्मान योग चवर शतर तख्तां दे मालक सिख जगत बगीचे दे बनवारी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच बहुत ही विरागमई हिरदियां दे नाल दूरों नेड़ियों चल के पहुंची होई पहुंच रही सतगुरां दियां दी साजी नवाजी गुरु रूप खालसा गुरु संगत जी अज आप सारे बहुत ही सत्कार जो सतगुरां जीयां दी मर्यादा नूं निभाउंदिआं होइआं ग्रह विखे भोग पवाए उपरंत जो बाणी दे विच फुरमान है ते सतगुर बोलिआ मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण जीओ केसोह गोपाल पंडित सद्या हो हर हर कथा पढ़ै पुराण जीओ विछड़ी हुई रूह दे निमित्त खुलियां पंडालां दे विच दास श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जीआं तक तन करके जगत विच आए शरीर करके जगत विच आए चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई जो उपजयो सो बिरस है परो आज कह काल नानक हर गुण गाए लै शाड सगल जंजाल समा तय है। हुणे बाबा जी शब्द पढ़ के गए अपांतलियां पंक्तियां पढ़िया हुणे घर घर एहो पहुंचा सदने नित पवन सतन हारा सिमरिय नानक से देहे आवन इस विराग दे समय जिहड़ा मुख वाक धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ने बख्शिया गुरु अर्जुन देव जी का उचारण किया होया शब्द है जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दईऐ वसाया। कहिंदे जिस नूं पापां ते पुन्नां तों परे व्यापक वाहिगुरु चेते विच आ गया ओह घर वसदा हो जांदा है। सुदास इन्हां पंक्तियां नूं उधार के तुहाडे आधार बना के कुछ बेनतियां कर सके कि घर किहड़ा है सतगुरां दी बाणी दे मुताबक घर किहड़े वसदे ने किहड़े उजड़े होए ने किहड़े वसदे ने और असली घर किहड़ा है। घर बड़ी इक प्यारी वाहिगुरु जी दी दात है। घर कोई इटां दा बनिया कोई सीमेंट सरिए बजरी दा बनिया वह मकान ते हो सकता वह घर नहीं हो सकता। मकान ते घर दे विच अंतर है। मकान वह है कि बिल्डिंग बन चुकी है जी विच रह रहे आ ते उन्हां जीआं दा आपसी प्यार ही कोई नहीं है। वह जी जिहड़े आ चार पंज रहिंदे आ ते आपो विच खिजू खिजू करदे रहिंदे आ ते समझ लेना कि वह मकान ही है वह घर बनिया नहीं। घर वह है जिहदे विच जीआं दे विच प्यार है एक दूजे की सार है एक दूजे की संभाल है एक दूजे दे जज्बातां दा ख्याल रखिया जा रहा होवे उहनूं आपां घर कह सकदे हां दुनियावी तौर। धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के मुताबक घर की है जितों कुछ वरे पहला इसे थां ते मैं अपना प्यो डोब के मारिया सी इसे थां ते मैं प्यो डोब के मारिया सी ते जे उदों मैं प्यो डोब के मारिया अज तू मैनूं डोब के लगा मारन थोड़ा अगे करके डोब क्योंकि कल नूं घर विच मेरा पोतरा तैनूं थोड़ा होर अगे करके डोब के मारे। जदों इन्नी गल सुनी ना उहदे हिरदे च ज्ञान आ गया। ज्ञान की सी आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आप हो जाहो। ज्ञान हो गया भी जिद्दां दा काम बापू ने किया अज बापू नूं सजा भोगनी पई है ते मना जे अज इहनूं डोब के मारिया कल मेरा मैनूं डोब के मारेगा।
हुण इहदा दूसरा पक्ष भी लै लईए जो इस परिवार ते ढुकदा है। इन्हां ने बजुर्ग दी रज के सेवा कीती है, इन्हां ने अपने बजुर्ग बापू महिंदर सिंह धक्के देवांगे ते साडे बच्चे भी सानू धक्का ही देणगे। यह फैसला साढ़े अपने हाथ विच है कि असी अपने घर जम्मिया को अपनी सेवा करवानी है कि उन्होंने धक्के खाने हैं। सो गुरु कृपा करे जिहड़ी साढ़े समाज की हालत है ये बड़े निघार वाले पासे जा रही है, पर जो ऐसा परिवारों में आने बापू महिंदर सिंह जी का परिवार जो योजे परिवारों में आके वेखते हैं तो मन खेड़े भी आता, मन खुश भी हो जाता भी नहीं अजे भी कुछ परिवार है जिन्हों बजुर्गों की कीमत का पता है। सो इलाके दे विच बड़ा मान सन्मान है परिवार का। गुरु कृपा करे जिन्हां समां दास नूं कहा सी उह समें की समाप्ति है और दास अंत ते बेनती जरूर करदा भाई आपां सारे गुरु के सिखां गुरु वाले बणीए अमृत पान करिए क्योंकि जिन्ना समां असीं अमृत पान नहीं करदे आपां गुरु तो बेमुख हाँ। ते गुरु साहिब कहिंदे जे को गुर ते बेमुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै पावै मुक्त ना होर थै कोई पुछुभ बेकिया जाए अनेक जूनी भरमे आवै बिन सतगुर मुक्त ना पाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए। अंतलियां दो पंक्तियां पढ़िए कि सतगुर सच्चे पातशाह सारी संगत वालों ही आपां बेनती करनी है गुरु साहब जी चढ़दी कला बना के रखण। कबीर साहब दे आपां बचन पढ़दे हाँ कहे कबीर सुनो रे संता कहे कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा। सारी संगत नाल पढ़ दे अरदास करिए अब की बार बख्श बंदे कहो अब की बार बख्श बंदे कहो सारी संगत भाई सारी संगत कृपा करो आप पंक्ति सारी संगत पढ़ो अब की बार बख्श बंदे कहो अब की बार बख्श बंदे कहो बहुर न पाओ जल फेरा बहुर न पाओ जल फेरा सो संसार का दुनिया का यह दस्तूर है कि जिहड़ा भी सपानी दुनिया में आया उहदे कोलों भुल्लां हुंदियां ने उहदे कोलों जीवन दे विच विचरदियां गलतियां हो जांदियां ने अपराध हो जांदे ने पाप हो जांदे ने। सारी संगत ही असीस देवो इह अरदास करो कि जीवन काल विच विचरदियां होईआं सतकारे योग बापू महिंदर सिंह जीआं दे कोलों जो भुल्लां होईआं ने सतगुर साहिब जी उहनां भुल्लां ते पड़दा पाउण सदीवी तौर ते अपने चरणां विच निवास प्रदान करन ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੰਪਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਪ ਹੋ ਤੇਲ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਵਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਭਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਰਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ ਨਾਮ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆ ਕਰਸਾਂ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਨਿਸਨ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈ ਘਰ ਸਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਹੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਵਾ
तित कार अनहद बाजे अनद सनो वट पाकी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची वाणी संत साजन पै सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे तू ठाकुर श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ते आए है जे दिखे साब दुख जाए तेग बहादुर सिमराय कर नवन दयावे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दी गल दा ध्यान करके बोलो जी पन्या प्यारिया चह साहबजादिया चालिया मुक्तिया हथियां जपिया तपिया नाम जपया वंड के छकिया देख चलाई देख लाही देख सुन के अंडिठ दीता तेरे भाणे नूं मिठा दे प्यारा करके मनिया तन्ना सिरगवाना दी कमाई दा ध्यान करके बलो जी ओपरिया लोहाइया चरखड़िया दे चले तन आरिया नाल चराए ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬ੍ਰਿਥ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਚਿਤਾਵੈ ਚਿਤਿਆਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਾਗੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਖੀ ਦਾਮ ਰਹਿਤ ਦਾਮ ਕੇਸ ਦਾਮ ਵਿਵੇਕ ਦਾਮ ਸਾਹ ਦਾਮ ਭਰੋਸਾ ਦਾਮ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਮ ਨਾਮ ਦਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਵਾ ਮਾਤੂਚੀ ਮਤਪਾਦਾ ਰੱਖਾ ਵਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਕਾਲ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਹੇ ਦਿਵਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਨ ਅਣ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਮਹਾਨ ਚਵਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖ ਦੇ ਮਾਲਕ
सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह महाराज जीओ आप जीआं दे पवित्र चरणा विच अरदास बेनती है। आप जी दे अटल वचन हन, रजना कोई जीविया पहुज ना चलिया कोय, ज्ञानी जीवै सदा सदा सुरते ही पद होय, सर्वै सर्वै सदा सदा इहै गई बहाय। नानक किसनो आखिया विण पुछिया ही लै जाए दे मावा कानसार, नरकर दे प्रीतवान परम सत्कार जो बापू महेंद्र सिंह जी सतगुरु पातशाह महाराज जिन्हें आप जी ने स्वासा दी पूंजी दे के मात लोग ते भेजिया सी, कोई दिना तो आप जी चरणा में जाप राजे सतगुरु पातशाह जी विश्व रूढ़ी कल्याणता वास्ते परंत पातशाह जी विछड़े रूदे नमेता कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना दे महा कन सार गुरबाणी दास पिना कीर्तन होया सतगुरु पातशाह महाराज हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाईया सतगुरु पातशाह जी इन्हां चीजां दा फला विछड़ चुकी आत्मा नूं पचा के सदीव काल वास्ते अपने चरणा दा नवाज बख्शना पिछे परिवार नूं साकां संबंधियां नूं भाणा मन दा बल बुद्ध बख्शना पातशाह जी आप जी दे बख्शे भंडारिआं विचों पंजाबल कड़ाह प्रसादी देख तैयार है देख तैयार करदिआं होईआं भुल्लां गलतियां दी माफी बख्शो जी करी पाक साल सोच पवित्रा हुण लाओ भोग हराए शीतल प्रसाद साध संगत दे रसने लायक होए जो जी सके सुभाग दा नाम जपे सतनाम श्री वाहिगुरु बांधो जाई दे मावा कन सार गुरु का लंगर धर प्रवान होए जो जी सके सुभाग दा नाम जपे सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी आईआं संगतां दे हाजिर दर प्रवान करनी नरकै तिल हल प्रवान करना कर्म घड़ियां लेखे लाउणियां करो कृपा सतगुरु जी दर आईआं संगतां नूं पावन पित्तर फरमान बस के कृतार्थ करो से संत प्यारिआं दे मित्रा सरबत दा भला ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਕੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾਇਆ ਕੀ ਰਹੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਬਚੇ ਸਰਣ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ बोले सोनिहार सत श्री अकाल वाहिए विण पुछिया ही ले जाए राणा राव ना को रहै रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंदा तीर ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕਮਾਹੇ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਮੋਹੇ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਮੋਹੇ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ ਅਮ ਬਾਰਕ ਤਉ ਸਰਨਾਈ ਕਿਰਪਾ
प्रत पालन लागा करी तेरा कराया रहाओ जी जंत तेरे तारे रब डोरी हाथ तुम्हारे जे करावे सो करना नानक दास तेरी शरणा जे करावे सो करना नानक दास तेरी शरणा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। बापू जी नूं श्रद्धा दे हुल भेट करनगे। उन्हां तों बाद भाई मनदीप सिंह जी सरपंच सोलां भाईआं संगतां का धन्नवाद करनगे। उस तो उपरंत जो जिम्मेवारी की पग सुचा सिंह प्रधान नूं मिलेगी उस तों बाद फिर देवता वर्तारा होएगा। हुण सुखराज सिंह जी कहो वो बापू जी ने श्रद्धा दे फुल भेट करनगे जी। करियो वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अज सरदार महेंद्र सिंह जी बापू जी साढ़े विच नहीं रहे, उन्हां दी अंतम अरदास ते आपां जुड़ बैठे हैं। भाई साहब बड़ा कथा कीर्तन द्वारा सानूं इह समझाउण दा जतन कीता कि जो इंसान इस संसार ते आया उन्हें एक ना एक दिन चले जाना, लेकिन जो व्यक्ति इस संसार ते आउंदा उहदे कीते हुए कर्म उन्हां नूं आपां उन्हां दे अंतम समय जरूर याद करदे हां। और मैं महसूस करता हूँ कि जो अजे बजुर्ग साढ़े को तुरदे दे तो एक बजुर्ग परिवार का बाप दादा जी जा रहा, एक पूरी की पूरी विरासत एक पीढ़ी साढ़े तो हौली हौली जा रही, वो पीढ़ी जेदे को सबर संतोख सिदक दृढ़ता बहुत ज़्यादा सी। अस जिस जगह आप बैठे हैं असी जो जमे हैं इन्हें हरियाली फसलों की देखिए, लेकिन जो बजुर्गों का सरदार महेंद्र सिंह का जन्म होया वो धरती यहोजी नहीं सी। ये सारी धरती जी है ये जंगल बियाबान इन्हों बजुर्गों ने अपने पैरों के नाल कंडिया मिध्या और आज जी हरियाली सानू दिख रही है इन्हों बजुर्गों की मेहनत है। इन्हों बजुर्गों का उस समय जन्म होया जो किसान फसल बीज के आसमान वाल देखता सी कि कदों पपीहे वाग सवाती बूंद पहेगी तो उसकी फसल उगेगी। समा आया खूहां दे विच्चों तुरका तुरका पानी उन्होंने कढ़ के फसलों नूं सिंजिया। अज समा आ गया आपां बटन दबदे हाँ पताल दे विच्चों पानी आ जांदा, बटन दबदे हाँ घरां दे विच साडियां वस्तुआं ठंडियां होण लग पैंदियां गर्म होण लग पैंदियां। सो बहुत वड्डी तब्दीली आ गई है, साडे कोल सब कुछ ही है लेकिन साडे कोल सबर संतोख दृढ़ता और घालना ये चीज़ा एक एक करके साडे तों कुश्तियां जा रही हैं। आ पिछले दिन महते दे विच बहुत वड्डी हिलदे वेद घटना हुई है, उहदा कारण यही है कि साडे कोल सुख सहूलतां दीआं वस्तुआं तां बहुत ज़्यादा ने लेकिन इन्हां बजुर्गों वर्गा सिरड नहीं जिन्हां ने 1947 दे विच भरे भाइयां हवेलियां छड्ड के डंगरां दे वाले छड्ड के मोढ़े दे परना रख के आण के ते फिर उन्हां ने अपने घरां नूं बाल कर लिया सी। इहो जिहा जिगरा इहो जिहा सिदक जे आपां इत्थे आए हां बजुर्गां दी बरसी ते ते मैं समझदा कि सिर्फ उन्हां दे जिहड़े उह सिधांत ने उन्हां दी जिहड़ी सोच सी आपां उहनूं ही अपने अंदर हिरदे दे विच परिवर्तन कर लईए तो साड़ी जिंदगी सफल हो सकती है। सो बादशाह अकबर का दरबार लगा, उन्हें बीरबल ने पूछा कहना बीरबल पुत्र ते सपुत्र च की फर्क हुंदा, वो कहना जी तुसी पुत्र हो ते मैं सपुत्र है। वो कहने कहना जी तुहाडा प्यो राजा सी ते तुसी भी राजे बन गए ते मेरा प्यो परोह सी ते मैं एडे वड्डे राजे का वजीर बन गया। सो सरदार सुचा सिंह जी बल प्रधान साहब, सरदार गुरदयाल सिंह जी बल बापू जी का भतीजा, सरदार मनदीप सिंह जी सोना सरपंच खंबे राजपूत जिन्होंने बापू जी होना तो दो कदम अगे वध के
जिथे उन्होंने विरासत संभाली है उत्थे कारोबार दे विच एक अपना वड्डा नाम अज उन्होंने पैदा किया। प्रॉपर्टी के कारोबार दे विच अज उन्हां दा सारे इलाके दे विच बल परिवार का एक वड्डा नाम है। उन्होंने दो पुत्रियां अज विदेशों दे विच अपनी किरतमाई कमाई करके मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। सो यह बड़ी एक अहम गल है कि इन्होंने बजुर्गों की जी विरासत है वह किवें संभालनी है। इस परिवार तो आप सीख के जाना बल परिवार तो कि किवें इन्होंने अपने बजुर्गों की विरासत को संभालिया। सो अज इस मौके पर सरदार जसबीर सिंह जी मैंबर पार्लीमेंट उन्होंने माता जी हाजरी लगा गए हैं। उस तो बाद सरदार सुखविंदर सिंह जी डैनी हलका विधायक वो परिवार के नाल दुख साझा करके गए हैं। बल परिवार के बहुत ही प्यार रखने वाले बाबा सज्जन सिंह जी भाई लहणा जी आप जी को कथा कीर्तन द्वारा ध्यान करके गए हैं। बापू जी दमार सबका DSP सरदार सुचा सिंह जी इंस्पैक्टर सरदार जसबीर सिंह जी साढ़े घर बैठे हुए हैं। इस मौके पर पहुंची हुई शिक्षित समय की घाट करके समा नहीं दे सकते। सो परिवार वालों उन्होंने हाजिरी लगाते हुए सरदार राजवीर सिंह जी सबका सरपंच उदोनगर चेयरमैन हरविंदर सिंह जी बब्बू कालेगे सरपंच बलजिंदर सिंह जी हैप्पी दबुरजी सरदार कश्मीर सिंह जी सरपंच मेहता सरदार हरजिंदर सिंह जी सरपंच मेहता सरदार तजिंदर सिंह जी बुटर चेयरमैन सरदार चतर सिंह जी चेयरमैन प्रदीप सिंह जी खब्बे सबका सरपंच गुरमीत सिंह जी चेयरमैन लखविंदर सिंह जी सोना सरदार इकबाल सिंह जी पड्डा पटवारी सरदार रणजीत सिंह जी सर्कल प्रधान सेरों सरदार इंद्रजीत जी लाडी खब्बे सरदार हरजिंदर सिंह जी NRI सुखदेव सिंह जी बुटर सुखनपाल सिंह जी मेहता अमर रावत जी कुलविंदर रंधावा जी कमलजीत जी खब्बे प्रधान जुगराज सिंह जी खब्बे पत्रकार कैप्टन सिंह जी मेहता सरदार सुखविंदर सिंह जी मास्टर सरदार हरदेव सिंह जी कैप्टन हरपाल सिंह जी चेयरमैन परमजीत सिंह जी संधु सरदार अमरजीत सिंह जी मास्टर डॉक्टर कुलवंत सिंह जी चोणे सरदार हजूर सिंह जी बल सरदार हरपेज सिंह जी प्रधान मेहता होर दर्जा बदर्जा जिन्हिया भी सत्कार जो शख्सियत पहुंचिया ने उन्होंने सारे का बल परिवार वालों बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। सो समूह सत्संग ने हाथ जोड़ के बेनती है कि गुरु का लंगर तैयार है। समुची सत्संग ने गुरु का प्रशादा छक के जाना है और बीबिया को बेनती है कि पहला भाई प्रशादा छकेंगे 5 मिनट बीबिया विश्राम कर तो बाद ही प्रशादा छक लें। गुरु फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग ताया जी सरदार महेंद्र सिंह जी बल जो 96 साल की उम्र भोग के इस संसार में अलविदा कह रहे थे, जो साढ़े सत्कारयोग मास्टर जी सुखराज सिंह ने दसिया कि पुत्र के सपुत्रां की फर्क होंगा तो वाकई सपुत्रां वाला काम करके विखाया। जदों साढ़े भाई साहब सरदार सुचा सिंह जी प्रधान के सरदार गुरदास सिंह जी बाल साहब भी विदेशों में गए थे तो पिछों ताया जी ने पैरालाइज हो गया पासे में। उस दौरान जरमनजीत सिंह इतने से पापा भी नाल सरदास भी साथ दिता तो जरमनजीत सिंह ने बहुत तनो मनो हो गए सेवा की सपुत्रां वाला काम करके विखाया। प्रधान साहब के कुड़म सरदार साढ़े भाजी सरियाली वाल जरमनजीत के सर साहब उन्होंने भी बहुत ही तन मन हो के नाल सेवा की सारे परिवार ने बहुत सेवा की। जिहड़ी गल सुखराज सिंह जी उन्होंने कही आ कि बजुर्गों नूं सामना साडा फर्ज आ क्योंकि सानू इन्होंने पहले पालिया होया बाद साढ़ा भी फर्ज आ कि अपनी फर्ज नभाइए इन गल
ਕਿਮਾ ਦੱਸਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਨਿਰਮਾਈ ਦਰਜਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਪਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜੋ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੇਖਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੋ ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ